सबके सामने भी बहुत कुछ ऐसा बीता जिसको पता नहीं आसान नहीं है एक लेडीज के लिए बर्दाश्त करना, लेकिन मेरी जो है मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी छत का नज़ारा देख के समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स छत पे मैं आई हूँ, और मैंने बैठे बैठे चाय भी पी ली। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी मैं जो है रेगुलर नहीं मिल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया ही है कि मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे मैं किस वजह से परेशान हूँ, क्या कारण है। वैसे तो बहुत मेरी फ्रेंड्स जानती हैं मैं क्यों परेशान हूँ, मगर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स की मैं जो इधर 4-5 दिनों से ना फिट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना मेंटली टॉर्चर से गुजर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर। क्योंकि मेंटली टॉर्चर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो जो भी होता है ना वो माइंड के साथ हो जाता है। आपके माइंड के साथ जो है ना गेम खेला जाएगा, आपके माइंड को ना इतना मतलब बोलते हैं ना टॉर्चर किया जाएगा ना, कि सामने वाले को या अगल बगल किसी को आसपास पता भी नहीं चलता है। क्योंकि उसे तो है ना वो अच्छे भले दिखते हैं हम लोग, लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं है ये किसी को नहीं पता चलता है। और डिप्रेशन भी से भी मैं गुजर चुकी हूँ ये मेंटली टॉर्चर की वजह से। तो पहले मैं बैठती हूँ फ्रेंड्स पे बात करती हूँ, मतलब मेरी जो ना लाइफ पूरी बर्बाद कर दी गई है। और पता है ये जिसके द्वारा ये मेंटली टेंशन टॉर्चर दिया जा रहा है ना, उसका कोई माइंड ही नहीं है। मतलब मेंटली जो है टेंशन उसी को होता है जिसके पास माइंड होता है, जिसके पास माइंड ही नहीं है उसको क्या टेंशन होगा। अब जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में पागल चलते हैं, वो बकबक करते रहते हैं आपस में, वो गंदे से कपड़े पहने रहते हैं, क्योंकि वो पागल हो गए हैं, क्योंकि उसको बोलते पागल है, तो उसका माइंड नहीं है, तो उसको किसी तरह का दुख या गम वो कुछ भी झेल लेता है, क्योंकि उसको वो जो है ना दिमाग ही नहीं है जो उस चीज़ को है ना वो फील कर सकता है। तो वही है जो मेंटली आपको टॉर्चर कर रहा है, जो हमें मुझे टॉर्चर कर रहा है, उसके पास माइंड ही नहीं है सोचने समझने के लिए। मतलब वो इससे इतने मतलब बोलते हैं ना ऐसे बुरे रास्ते पे वो इंसान निकल गया है ना, जिसका जो अंत है ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। खैर मैं जो है मैं तो खैर निकलना चाहती हूँ और बहुत जल्द ही निकलूँगी भी, लेकिन यह है कि मैं जो अभी अकेलापन महसूस कर रही हूँ, और हम लेडीज़ के पास बहुत बड़ी मजबूरी होती है बच्चा, तो हमें बहुत सोच समझ कर ही कुछ करना होता है फ्रेंड्स। तो मैं जो है बस इसी कारण अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो वगैरह भी नहीं डाल पा रही हूँ, जबकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतनी डिस्टर्ब होना नहीं कर पा रही हूँ, क्या बताऊँ और क्या बात है क्या कारण है वो भी मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत तो शेयर की थी, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले मैंने कुछ वीडियो डाले थे, तो मैंने कुछ कुछ बातें बताई थी, लेकिन फिर बीच में मैंने जो है ना उस बातों को थोड़ा स्टॉप किया। मैंने सोचा चलो देखते हैं सामने वाले बंदे का क्या रिएक्शन होता है, क्या पता शायद उनको कहीं से बोलता है ना थोड़ी सी भी शर्म हया बुद्धि आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं पपीज़ क्यों भौंक रहे हैं, मैं देखती हूँ थोड़ा। वो ना कुत्ते के बच्चे जो है ना वो आपस में ही लड़ रहे थे, वही मैं चिल्लाने लगे थे, वही मैं देख रही थी झाँक के। तो यही सब कारण है, अगर मैं अपनी जो है लाइफ स्टोरी सुनाना चाहूँगी, मतलब सुनाना शुरू करूँगी, तो वो एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं पार्ट बाई पार्ट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि बात अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बात छुपाने से, क्योंकि आप किसी की जो होता है ना गंदगी को कितने दिन छुपाओगे। मैं तो गंदगी ही बोलूँगी इसे, आप किसी की गंदगी को कितने दिन छुपाओगे, जब वो खुद वो चीख रहा है कि हाँ मैं गंदा हूँ गंदा करूँगा, तो आप उसको कितने दिन छुपाओगे। तो मैं धीरे धीरे सारी बातें पर रखूँगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे संभलने का समय दीजिए, थोड़ा परेशान थी
मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी जब ऐसे बीत तो मेरे साथ बहुत दिन से रहा है, मतलब 2017 से कहानी स्टार्ट हुआ है हम लोगों के बीच। टेंशन, डिप्रेस, मतलब मेरा जो है माइंड बोलते हैं ना मेंटली टॉर्चर, उसी समय से शुरू हुआ है। लेकिन मैं फिर भी है ना अपना जो है घर परिवार संसार बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए हर तरह के प्रयास कर लिए। आज 2017 से 2023 हो गया, वो चीज़ें ख़त्म तो होनी दूर की बात, और बढ़ती ही गई। इतनी बातें लोगों से सुनने मिलने लगी और आंखों के सामने भी बहुत कुछ ऐसा बीता जिसको पता नहीं, आसान नहीं है एक लेडीज़ के लिए बर्दाश्त करना। और ये बातें जो है मैं इनके गार्जियन को भी ए टू जेड बातें मैं बता चुकी हूँ, सब जानते हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने बताया था, सबको अपना मतलब है, किसी का घर टूटे किसी का कोई मतलब नहीं है। एक फॉर्मेलिटी निभाया फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, हाँ मतलब मेरे साथ कुछ अलग बातें, उसके साथ कुछ अलग बातें, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी बस निभाया है, बाकी कुछ नहीं। तो चलो खैर कोई नहीं, ये एक मेरे लिए सबक है क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे से, शायद उस गलती की वजह से इसकी ज़िंदगी सवर गई, लेकिन मेरी जो है मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और ये क्या बातें हैं फ्रेंड्स, क्या गलती है, और गलती भी कोई ऐसी मैंने कोई इसके लिए कोई गलती, इसके लिए तो अच्छी ही बातें थी और कुछ था उस समय ऐसी बातें, मैं वो सब भी जल्दी शेयर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अब ना कोई फ़ायदा नहीं है कि बोलते हैं ना एक उम्मीद मैंने फिर पाल रखा था मन में कि शायद सामने वाले को भी मैं देखती हूँ टेंशन में, भाई ये वो कुछ ऐसा मन में होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेंशन जिसका दिमाग हो उसको ही टेंशन होता है, मेरा दिमाग वाले क्या टेंशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स, और ये मौसम देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हो गया, और मैं नीचे थी यहाँ तो मैं चाय लेके आई हूँ, थोड़ा आप लोगों से ही बात करने के लिए मैं यहीं बैठी भी चाय पी ली, क्योंकि नीचे सौरभ है तो उसके सामने बातें करना जो है मुझे सही नहीं लगता है अभी ये सब। बाकी वो जो है वो भी मतलब मेरी तरह ही मेंटली टेंशन से गुजर रहा है बच्चा मेरा, क्योंकि छोटा नहीं है मेरा बेटा, 14 साल का बच्चा है, तो भी सब समझता है, तो इसलिए फिर भी मैं खुल के उसके सामने बात नहीं करना चाहती हूँ। वो बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है अभी, तो जानने के लिए तो वो सब जानता है कि मम्मी किस टेंशन से, किस मेंटली जो है टेंशन से गुजर रही है, उसको सब पता है। बट फिर भी मैं माँ हूँ तो मुझे तो लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि नहीं बच्चा मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, उसके सामने मैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ। मैं बीच बीच में बहुत गैप कर देती हूँ बीच में, तो थोड़ा सा आप लोग ना समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो ना लाइफ उथल पुथल हो चुकी है बुरी तरह से, और उथल पुथल आज नहीं फ्रेंड, 4-5 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी उसको ना समेटने की कोशिश कर रही थी एक एक करके। मैं बोलते हैं ना जब कोई एक झोपड़ी टूटता है, जब आंधी आती है तो ना झोपड़ी जो है उड़ जाता है, बिखर जाता है, तो फिर उस फिर से ना वो बांस इकट्ठा करते हैं, वो जो बोलते हैं टाली लगाते हैं, वो सारा चीज़ जोड़ के फिर से वो झोपड़ी तैयार करते हैं। बस मैंने भी है ना जो है वही सोचा कि चलो एक तूफान आया है, तो मैं जो है उस तूफान में जो बिखर गया है मेरा झोपड़ी, तो मैं उसको जो है फिर से इकट्ठा करूँ सारे सामान को, और मैं वो झोपड़ी तैयार करूँ। लेकिन नहीं पता था फ्रेंड्स, इस बीच में इतना कुछ बीता कि वो कभी संभव नहीं, उस झोपड़ी में मतलब ये समझिए कि किसी ने आग लगा दिया, और वो कोई भी आग दूसरा नहीं लगाने वाला, खुद अपना ही आदमी होता है जो ऐसा काम करते हैं। और बात बहुत कुछ हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, और शायद एक इंसान की है ना बेवकूफ़ी की वजह से, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक मतलब बोलते हैं ना बुरी संगत बोलिए, बुरी आदत बोलिए, बुरी लत बोलिए, बस वही एक कारण की वजह से सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। आज मतलब मुझे ये बताते हुए ना आप अंदर से मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं खुल के अब नहीं रोती हूँ, मैं बहुत रोई हूँ, मैं 5 सालों से इतनी रोई हूँ कोई अंत नहीं है फ्रेंड्स,
कोई अंत नहीं है। लेकिन अब मैं वैसे भी मतलब बहुत मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, क्योंकि आगे जो है मेरे साथ बहुत सारी चुनौतियाँ जो है खड़ी होगी और सबको मुझे फेस करना है। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रही हूँ, और आप लोगों का साथ और सपोर्ट बने रहे बना रहेगा तो मैं हर चुनौती का सामना भी कर पाऊंगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो बाय, टेक केयर।